मेले का सबसे खास चीज़ यहाँ पे देख सकते हैं तारामाची झूला, इसी के चलते काफ़ी सारे लोग आते हैं झूला को देखने के लिए। तो देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा अभी भीड़ जुट चुका है मिट्टी को फेंकने के लिए और अपना इच्छा पूरा करने के लिए। देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पे लोग मिट्टी को फेंक रहे हैं। हेलो गाइस, नमस्कार, जोहार, प्रणाम, स्वागत है सभी का फिर से मेरे एक न्यू वीडियो में। सो मेरा नाम है देवराज और आज फिर आज का न्यू इंटरेस्टिंग से वीडियो के साथ में, और आज मेरे साथ में देख सकते हैं मेरा दोस्त है। तो आज हम लोग कहाँ पे जा रहे हैं और कहाँ पे आ रहे हैं? देवीपुर का मेला देखने के लिए, जो कि आज लास्ट मेला है और हम लोग खूब इंजॉय करेंगे। और थोड़ा सा हम बता देना चाहते हैं कि हमेशा ये मकर संक्रांति के दिन में ये मेला लगता है, 7 दिन का मेला लगता है। और इधर जो आप लोग मेरे पीछे रास्ता देख रहे हैं, ये हजारीबाग टेनू घाट और इधर बोकारो का रास्ता है। और इधर से आप लोग जो मेरे पीछे रास्ता देख रहे हैं, ये आप लोग ललपानिया और आप लोग डायरेक्ट रामगढ़ रांची आप लोग को ले जा सकता है। और इधर से आप लोग इधर देख रहे हैं जितना भी इधर सब गाड़ी पार्किंग बना हुआ है, आप लोग देख सकते हैं इधर दूर दूर तक, और उधर भी पूरा बना हुआ है। तो चलिए चलते हैं डायरेक्ट मेला, उसके बाद आप लोग डायरेक्ट मेला में मिलते हैं। तो आप लोग ब्लॉग में तक बने रहिएगा, तो चला जाए, चलिए। और यहाँ से देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पे पब्लिक लोग का भीड़ है यहाँ पे, और यहाँ पे देख सकते हैं मेन रोड का यहाँ पे बोर्ड लिखा हुआ है, जो कि यहाँ पे कितना क्या किलोमीटर यहाँ पे सारा चीज़ लिखा हुआ है। और इस एरिया का आप लोग जो देख रहे हैं, इस एरिया का नाम है पूरा भोलाडी मोड़। और इधर आसपास में आप ही लोग देख ही सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ है। और इधर इतना भीड़ है कि आलू प्याज भी फैले थे, आप लोग देख सकते हैं जिस तरह से गोदाम में रहता है, इस तरह से यहाँ पे भीड़ है मेला में। आज आप लोग देख ही सकते हैं चारों बगल से आप लोग का पब्लिक ही पब्लिक नजर आएगा। और यहाँ से आप लोग देख सकते हैं मेला का मेन गेट यहाँ पे शुरू होता है। और देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पे पब्लिक जा रहा है लाइन बना के। यहाँ भी हम मेला में कर चुके हैं और काफ़ी ज़्यादा भीड़ इधर देख सकते हैं, पूरा फैला के मेला मजा आ रहा ना, एकदम मजा आ रहा है। अभी तो ट्रेलर है, अभी ट्रेलर देख सकते हैं किस तरह से पब्लिक जा रहा है। अभी चलते उधर आगे तरफ गार्ड मंदिर चलते हैं, यहाँ पे उसके बाद दर्शन करेंगे, उसके बाद फिर आपको दिखाएंगे। 100 सेल लगा हुआ ना अंकल, 100 का सेल, 100 में दो पीस और इधर देख सकते हैं कॉफी हाउस वगैरह बना हुआ है, काफी सुंदर है। और इधर कुछ मिठाई का दुकान आप लोग को मिल जाएगा देखने के लिए। और इधर पब्लिक लोग को आप लोग देख ही सकते हैं। और ये जो आप लोग देख रहे हैं ये मंदिर है, देख सकते हैं आप लोग, ये मेलों का बीचों बीच ये मंदिर आप लोग देख सकते हैं पूरा, इसे माँ खेलाचेरी नाम से मंदिर को जाना जाता है। और यहाँ पे जो आप लोग नीचे देख रहे हैं, यहाँ पे बलि दिया था बकरा का और यहीं पे पूजा होता है। और बाकी आप लोग देख सकते हैं इसके साइड साइड में बाँस से पूरा घेरा दिया गया है। और इधर आप लोग पूरा भीड़ देख सकते हैं। और मंदिर के जस्ट बगल में ही इधर लेफ्ट साइड में एक रास्ता गया है, ये रास्ता डायरेक्ट आप लोग को ले जाएगा, एक ऐतिहासिक चीज़ इस रास्ता से जुड़ा हुआ है, तो आप लोग को ले के चलते हैं डायरेक्ट। और इधर जो आप लोग यहाँ नीचे देख रहे हैं, यहाँ तालाब टाइप से बना हुआ है, यहाँ पर ऐसा माना जाता है कि इस मिट्टी को यहाँ से फेंकने के बाद जो भी आप लोग का इच्छा है वो पूरा हो जाता है। आप लोग देख सकते हैं जिस तरह से यहाँ पे देखिए फेंका जाता है और काफ़ी ज़्यादा देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा अभी भीड़ जुट चुका है मिट्टी को फेंकने के लिए और अपना इच्छा पूरा करने के लिए। देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पे लोग मिट्टी को फेंक रहे हैं। और इधर से जो आप लोग भीड़ देख रहे हैं, यहाँ पे आप लोग को अपना मन पसंद का चीज़ यहाँ पे आप लोग को मिल जाएगा, खाने से लेके पीने का चीज़ तक। तो आप लोग इधर पूरा जितना भी एरिया देख रहे हैं, इधर पूरा चिकन मटन इधर पूरा फ्राई होता है, आप लोग देख सकते हैं किस तरह से इधर आप लोग को फीस वगैरह मिल जा रहा देखने के लिए। और भाई इधर का भीड़ देख सकते हैं, पूरा तबाही वाला भीड़ इधर देख सकते हैं, देख सकते हैं किस तरह से इधर भीड़ है। और इधर आप लोग को हणिया दारू भी मिल जाएगा, जो कि झारखंड में काफ़ी ज़्यादा फेमस है ये चीज़। और इधर का जो आप लोग पूरा एरिया देख रहे हैं, पूरा दूर दूर तक आप लोग देख सकते हैं, उधर काफ़ी सारे लोग पूरा बैठे हुए हैं, पूरा अपना अपना मनपसंद का चीज़ खाने के लिए पीने के लिए देख सकते हैं इधर। और इस मेले में जो इधर आएंगे आप लोग, जो ड्रिंक वगैरह करते हैं काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार चीज़ है, यहाँ पर फ्राई वगैरह सारा चीज़ आप लोग मिल जाएगा। आप लोग देख ही सकते हैं किस तरह से यहाँ पर मीट मछली और चिकन वगैरह, मीट मछली और मटन वगैरह यहाँ पर मिल रहा है, काफ़ी सारे लोग यहाँ पे आ रहे हैं इन्जॉय कर रहे हैं। तो आप लोग एक बार इस मेले में जरूर आइए और मज़ा लीजिए, देख सकते हैं इधर भी। तो चलिए अभी चलते हैं मेले की ओर, जिधर मंदिर और आप लोग देखिए कोशिश करते हैं। चलिए चलो, तो अभी फिर से आ चुके हैं मंदिर के पास में और आप चलते इधर से मेला की ओर डायरेक्ट। और इधर से भी एक रोड गया है, जो कि यहाँ पे ग्रामीण जो आसपास में रहते हैं इस रोड में काफ़ी ज़्यादा भीड़ वगैरह रहता है।
और अभी आ चुके हैं यहाँ पे देख सकते हैं ग्राउंड है, यही ग्राउंड के पीछे में देख सकते हैं यहाँ पे एक स्टेज बना हुआ है, देख सकते हैं काफी ज्यादा भीड़ है। स्टेज के बगल में ही देख सकते हैं अलग अलग खेल तरह से यहाँ पे दिखाया जाता है, देख सकते हैं जो कि पैसा वगैरह का खेल दिखाया जाता है, बाकी बच्चों लोग को यहाँ पे झूलने के लिए यहाँ पे देख सकते हैं। और इधर का भी साइड में काफ़ी ज़्यादा भीड़ आप लोग देख सकते हैं। और मेला का सबसे खूबसूरत चीज़ है ये घूर्णी वाला, आप लोग देख ही सकते हैं जो कि हर बच्चे लोग लिया जाता है घूर्णी को, और इधर से आप लोगों को खाने का सामान मिल जाएगा, इधर देख सकते हैं खाने पीने का सामान में काफ़ी ज़्यादा भीड़ है। और अब आप लोग देख सकते हैं धीरे धीरे शाम भी होने वाला है, तो इसके वजह से आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा, उतना वीडियो का क्वालिटी आप लोग को नहीं मिल पाएगा सही। इधर का साइड में तो और भी ज़्यादा भीड़ आप लोग देख सकते हैं। और ये साइड आने के बाद आप लोग को अधिकतर यहाँ पे ज़रूरतमंद का ही सामान मिलेगा, जैसे कि बक्सा हो गया और चाकू वगैरह हो गया, सारा चीज़ आप लोग को मिल जाएगा। जैसे देख सकते हैं किस तरह से इधर लेने के लोग यहाँ पे देख सकते हैं लाइन लगे हुए हैं, इधर देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा भीड़ इधर। और ये आज लास्ट मेला है, इसके वजह से और ज़्यादा भीड़ अभी बढ़ रहा है, धीरे धीरे देख सकते हैं मंदिर आप लोगों को दिख रहा होगा यहाँ से फिर से। और यहाँ पे देख सकते हैं एक होटल बना हुआ है जो कि काफ़ी ज़्यादा फेमस होटल है, यहाँ पे भीड़ देख सकते हैं आप लोग। और इधर नाव वाला झूला में झूलने के लिए देख सकते हैं किस तरह से इधर पब्लिक भीड़ है, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ इधर देख सकते हैं। इधर आने के बाद एक मज़ेदार झूला आया जो कि मेला में न्यू झूला है, आप लोग देख सकते हैं ये झूला न्यू आया, आप लोग देख सकते हैं। और यहाँ पे एक देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार पान वाला आया है, देख सकते हैं किस तरह से पान वाला बनाया जा रहा है। और इधर से देख सकते हैं टैटू का पूरा यहाँ पे लगा हुआ बोर्ड, देख सकते हैं इधर देख सकते हैं भाई टैटू बना। और इसी के बगल में आप देख सकते हैं तारा मच्छी का झूला, मेले का सबसे खास चीज यहाँ पे देख सकते हैं तारा मच्छी झूला, इसी के चलते काफ़ी सारे लोग आते हैं झूला को देखने के लिए झूलने के लिए। और यहाँ पे आप लोग भीड़ देख ही सकते हैं झूला में झूलने के लिए किस तरह से यहाँ पे लाइन लगा हुआ है। ब्रेक डांस के पास आप लोग देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पे भीड़ है झूलने के लिए। और इधर से आ चुके ड्रैगन वाला झूला के पास आप लोग देख सकते हैं, और इधर कुछ सामान मिल रहा आप लोग देख सकते हैं किस तरह से लोग खरीदारी कर रहे हैं। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग को ये मेला कैसा लगा, और जितना सा आज आप लोग स्टूडेंट दिखाने को मिलती है, तो अगर आप लोग वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, एक जरूर कर सकते हैं। धन्यवाद।